श्रीराम मातरम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लेकर छोटे से गांव केरागोडू तक नजर आ रही है हंगामा बवाल और जय श्री राम के गूंजते नारे। एक बार फिर हनुमान के नाम पर यहां सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी और जेडीएस की हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। कर्नाटक के मांड्या के केरागोडू गांव से शुरू हुआ यह बवाल अब धीरे धीरे पूरे कर्नाटक में फैलता जा रहा है और इस मुद्दे को सियासी हवा दे रहे हैं बीजेपी जेडीएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता। यही वजह है कि कर्नाटक में हनुमान के नाम पर हंगामा बरपा है। इस हंगामे को देखते हुए केरागोडू गांव से लेकर बेंगलुरु तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। खास तौर पर केरागोडू गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है क्योंकि राम और हनुमान के नाम पर प्रदर्शनकारी किसी भी हद तक जाने की जिद पर अड़े हैं। तो जानना जरूरी है कि इस हंगामे की असली वजह दरअसल इस बवाल की शुरुआत करीब एक हफ्ते पहले कर्नाटक के मांड्या के इसी केरागोडू गांव से हुई थी जब ग्राम पंचायत की जमीन पर एक समूह ने 108 फुट ऊंचा ध्वज स्तंभ खड़ा करते हुए उस पर हनुमान ध्वज फहरा दिया था। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत ने ध्वज स्तंभ लगाने की इजाजत दे दी थी लेकिन इसके खिलाफ शिकायतें आने के बाद अधिकारियों को हनुमान ध्वज हटाने का अनुरोध करना पड़ा। हालांकि गांव वाले हनुमान ध्वज फहराने के अपने फैसले पर अड़े रहे लेकिन प्रशासन ने आखिरकार ध्वज पोल से भगवा झंडा हटा दिया। हनुमान ध्वज हटाने के खिलाफ बीजेपी जेडीएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में वहां हालात को काबू करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात करनी पड़ी है लेकिन अब इस विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी ने कर्नाटक के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है जिसकी शुरुआत सोमवार को बेंगलुरु से हो गई है जहां सड़कें भगवा रंग में रंगी नजर आ रही हैं। बीजेपी ने इस मामले में सरकार पर हिंदू विरोधी रुख का आरोप लगाया है। तर्क दिया है कि हनुमान ध्वज को ग्राम पंचायत की मंजूरी से फहराया गया था जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हनुमान ध्वज हटाए जाने की प्रशासन के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर मौजूद पोल पर भगवा के बजाय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए था। राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा झंडा फहराना सही नहीं है। बहरहाल पुलिस ने पोल से हनुमान ध्वज हटाकर वहां तिरंगा लगा दिया है जबकि केरागोडू गांव में बिगड़ते हालात को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन बीजेपी जेडीएस और बजरंग दल के रुख को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि यह मुद्दा अभी इतनी जल्द ठंडा पड़ने वाला नहीं है। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।